बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन अभी 9:30 बजे, और अब्बास और अब्बू जी गए हैं शादी पे। तो बस उनके कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं, उनको भेजा है। तो अभी आपकी जी ने बनाया जूस, हमने जूस पिया, जूस नहीं मिल्क शेक, सॉरी मैंगो का मिल्क शेक वो बनाया था। जूस जो होता है ना वो पानी वाला होता है, और इसमें हम लोगों ने दूध ऐड किया था, इसलिए ये हुआ मिल्क शेक। मिल्क शेक बनाया वो पिया है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा कपड़े धोने वाले हैं, तो अभी लगाने लगी मशीन। तो मैंने कहा कि मैं खड़ी खड़ी बर्तन धो लेती हूँ, तो आप ना मशीन लगा के तो कपड़े धो ले। तो मैं किचन में बर्तन धो लेती हूँ, तो आप ही मशीन लगाने लगी है। तो साथ साथ में अपने बहन भाई के साथ भी शेयर करते हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा कपड़े धोने वाले आप ही धोने लगी हैं, और जो इस्त्री करने वाले हैं ना वो मैं इस्त्री करूँगी। नीचे वहाँ पे इस्त्री टेबल पे तो खड़े खड़े खड़ा हुआ नहीं जाता ज़्यादा देर तक, तो इस वजह से ना मैं नीचे चटाई बिछा के तो फिर कपड़े जो है ना वो इस्त्री करूँगी। जूस वाले थोड़े बर्तन थे, और थोड़े सुबह के चाय वाले बर्तन थे। मिस्त्री भाई आए हुए हैं बाहर, उनको चाय भी दी है। आपकी मशीन लगाए मैंने कपड़े धोने के लिए, तो मैं फटाफट से बर्तन धो के फिर आटा गूंथी, आटा गूंथ के दोपहर की रोटी बना के, तो उसके बाद ना फिर मैं करूँगी छोटे छोटे काम नहीं खत्म। सारे मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं गुनगुना अगला काम शुरू करूँगी। जैसे बर्तन मैंने धो लिए हैं और अभी गुनने लगी आटा। आप तारा ने मशीन लगाई है वॉशिंग मशीन, और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। देखें अब पी सुमेरा से बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि वहाँ पे ना बादल काफ़ी गहरे बने हुए, बारिश आने का इम्कान है, बारिश शायद आ जाए। तो यहाँ पे भी हो सकता है बारिश आ जाए। अब बस बहुत ज़्यादा हवा वो नहीं चल रही, बस ये मेरी एक चारपाई बाहर रहती है, वो मैंने अंदर करनी है कमरे में। तो बस बाजी कपड़े धो रही, तो मैंने कहा मैं ना फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि 10 बजे के करीब टाइम हो गया, तकरीबन 10 बजने ही वाले हैं। तो फिर बच्चों ने कहना है कि भूख लग गई है, तो इस वजह से ना मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर रोटी बना लूँगी, उसके बाद कपड़े इस्त्री करूँगी। अच्छा जी, बाजी कपड़े धो रही थी, तो ऊपर से इतनी तेज़ बारिश आ गई है, माशाल्लाह देखिए बच्चों के काम कितने खुश है बच्चे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रोटियां बना ली हैं, मैंने कपड़े इस्त्री करने थे, तो लाइट चली गई है। मौसम यहाँ पे जैसे ख़राब होना तो लाइट चली जाती है, ये देखिए देखिए बच्चों के काम। वेपर हजे बारिश पै लें, बाजी नहाइए समीर इतने पे मेरे वॉशरूम से, बेटा गिर ना जाए, पिद्दा तू गिर जाना, इतने पे वॉशरूम मेरे से, तू गिर जाना, तू गिर जाना। बच्चों के काम देखे गए कितने खुश हैं ये। अल्लाह करे अच्छी बारिश हो जाए एक दफा,
इधरों इधरों समीर ऐसे तो सारी मिट्टी ले जाए इधरों। बारिश तो हो रही है ना। भाभी ऐसे के कपड़े गीले हो गए। सारे बच्चे बस एक फिरा नहीं है यहाँ पे। हाँ ये तो गिला हो गया काफी देर है। हाँ जी। जी। बस कर गिर जाएंगे। मैं कट लेनी है रोटी दिला इन्हें तो फिर मैं कट लेनी। पर नहीं बाहर ही चले गए सारे हूं। अब बारिश हुई थी, अब शाम हो चुकी है, बस टाइम ही नहीं मिला। मैं बस छोटे मोटे बाजी के साथ करवा रही थी क्योंकि बाजी अकेली थी, वैसे उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से ना। तो मौसम ठंडा है माशाल्लाह से, हवा चल रही है ठंडी। अब्बास शादी पे गए हुए थे, शादी से वो वापस आ गए हैं, तो बस मैंने आटा गूंद के रखा है शाम की। अब रोटी बनानी, आप तो कहेंगे कि रोटी रोटी रोटी, बस शाम की रोटी बनानी है। और देखिए इसके बाल अबू जी ने उतार दिए थे, ये साफ़ सुथरा हो गया। अब बच्चे वो जो भाई काम वाले उनकी बेगम के साथ वो खेल रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे सारे उधर ही हैं। तो आज आए हुए थे मिस्त्री भाई, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे मकान स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कह रही थी अब्बास से कि जब मिस्त्री भाई लगाएंगे ना तो मुझे किचन भी सेट करवा के दें, मतलब जो किचन का वो जो काला काला सारी दीवारें काली हो रही हैं ना वो भी सब सेट करवा के दें। तो कह रही थी अब्बास कि वो भी ना सेट करवा दें। मैंने कहा था कि जो किचन है ना उसकी विंडो वो भी सही करवा के दें, विंडो लगवा के दें। तो और भी है किचन का थोड़ा छोटा मोटा काम, वो भी इंशाल्लाह करवाऊंगी। इतना प्यारा शाम का व्यू है क्योंकि दरख्त सारे साफ हो चुके हैं, बारिश हुई थी ना सुबह इस वजह से। इनू नहीं आराम आया अंदर, ये मेरी चुटकी बस मैंने बाहर लैके फिर लो। हां जी गोलो जी कैसे करती हो, मोन क्यों डिजाइन बना दी मेरी गोलो गोलो उगड़ा मार रखना। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हो? बहुत काफी मुक गए, उधर आन दो। कर 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 चा कल फिर बंदा कोई अपने होर सामान भी रख लेना। जन्मरा दिन आसमान ये मोबाइल को देख रही है। गिर 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 गि